स्टूडेंट्स पढ़ो पंजाब वालों आई बुक सीखन प्रमाणा आधारित अभ्यास पुस्तक जी वर्कबुक दे असी सैकेंड पार्ट दे विच फोर्थ फिफ्थ सिक्स लैसन पढ़ांगे। पहला असी फर्स्ट सैकेंड थर्ड पार्ट चुके हैं। साड़े लैसन का नाम है जी सक्सैस विद हार्ड वर्क, मेहनत नाल सफलता। अगर असी हार्ड वर्क करांगे ता ही अच्छी अच्छे जी है मार्क्स ऑबटेन कर सकांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इना दे विच आपां दसना है कि केड़ी गेम शो कर रही है, तां तुहानू नज़र आ रहा है ये बेटा जी हॉकी गेम है। नेक्स्ट पिक्चर तो पता चल रहा है केड़ी गेम है जी, क्रिकेट। और ते फुटबॉल नज़र आ रही है तुहानू, तां ये केड़ी गेम नज़र आ रही है जी, फुटबॉल दी गेम। और ये है जी तुहाडे कोलों बैडमिंटन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड एज ए टीम, इन्हां चों दसना है कि केड़ी जिहड़ी गेम है वह असी टीम दे वजों खेलते हैं। फुटबॉल, बॉक्सिंग, लोंग जंप, रैसलिंग। टीम दे विच बहुत सारे प्लेयर्स होंदे ने, सो फुटबॉल दी टीम ही फुटबॉल दी जिहड़ी गेम है वह असी एज ए टीम खेलते हाँ। नेक्स्ट है क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, डेडिकेशन आर डिवेल्प बाय। ये जड़ियाँ क्वालिटीज़ है, हौसला, हार नू स्वीकार करना और स्पोर्ट्समैनशिप, ये किस तरह डिवेलप होंगे ने, यह जड़ियाँ क्वालिटीज ने वो आप गेम्स जो पार्टिसिपेट करते हाँ तो साढ़े च डिवेलप होंगे ने। वट डू वी लर्न बाय प्लेइंग इन टीम, असी टीम दे विच खेलन दे नाल की सीखते हैं, कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कोआर्डिनेशन, हार्टेड एंड जैलसी, अब्यूजिंग एंड टॉकिंग रबिश, फाइटिंग। बेटा जो आप टीम दे विच खेलते हैं तो असी कोऑपरेशन मतलब कि संयोग, मिलवर्तन और तालमेल जड़ा है वो सीखते हैं। फर्स्ट आ जाएगा, वेयर आर स्पोर्ट्स गुड मेड इन पंजाब, पंजाब दे विच खेडां दा समान कित्थे बनदा है। बठिंडा, लुधियाना, फिरोजपुर, जलंधर। खेडां दा समान बनाने लई जलंधर फेमस है। बाय प्लेइंग गेम्स, गेम खेडण नाल असी टाइम वेस्ट करते हैं, हैल्दी रहने हैं, वी फॉल सिक, वी गैट हर्ट। तो असी अगर रोज़ गेम खेडते हाँ तो असी हैल्दी रहने हाँ। नैक्सट, हाउ मैनी ईयर्स ओलंपिक गेम टेक्स प्लेस, किन्ने साल बाद, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स होंदिया हन जी। ओलंपिक गेम्स बेटा जी 4 ईयर्स के बाद होंदिया हन। योर स्कूल वॉन्ट टू टेक पार्ट इन सेंट्रल स्कूल लैवल कबड्डी गेम्स, वट इज़ नीडिड टू बी डन फॉर इट। तुहाडा जिहड़ा स्कूल है वो कबड्डी गेम दे विच पार्टिसिपेट करना चाहिदा है, तो उहदे लई तुहानू वट इज़ नीडिड टू बी डन फॉर इट। One of the mightest students should be sent to take part in कबड्डी। सब तो तगड़े विद्यार्थी नूं कबड्डी दी गेम दे विच भेजना चाहिदा है। One student of fifth class should be sent to take part in कबड्डी, fifth दे student नूं भेजना चाहिदा है। A team should be made of good कबड्डी players, एक टीम बनानी चाहिए है वधिया कबड्डी प्लेयर्स दे लई। वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल शुड बी सेंट टू टेक पार्ट इन कबड्डी, एक समझदार विद्यार्थी नूं कबड्डी दी टीम दे विच भेजना, कबड्डी खेडण लई भेजना चाहिए है। तो अगर तुहाडे स्कूल ने पार्टिसिपेट करना है तो सब तो पहला जिन्हें भी अच्छे कबड्डी प्लेयर्स ने उन्हां दी टीम जिहड़ी है बनानी चाहिए है। लैसन नंबर 5, लर्न वाइल प्लेइंग, खेड खेड दे विच। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीदिंग एक्टिविटी ऑफ योगा, इन्हां विच दसना है कि योगा दे विच सार वाली जिहड़ी क्रिया केड़ी है। शीर्षासन, फुटबॉल, प्राणायाम, कबड्डी। तो सह वास्ते जी एक्टिविटी है योगा दे विच वो केड़ी है जी, प्राणायाम। स्पोर्ट्स फेयर ऑफ विच विलेज ऑफ स्कूल ऑफ पंजाब इज फेमस, केड़ा खेड मेला जिहड़ा पंजाब दा वो फेमस है। शाहकोट, संसारपुर, किला रायपुर, बडेला। सो ये है जी किला रायपुर।
टू विच गेम दस द किड्स ऑफ ट्रिक्स ऑफ बाजीगर मैच, जेडे बाजीगर आंदे है उन्हां दे जेडे ट्रिक्स है वो किदे नाल मैच करते हैं। जिमनास्टिक, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वो मैच करते हैं जी जिमनास्टिक दे नाल। विच स्पोर्ट्स फेयर इज आल्सो नोन एज विलेज ओलंपिक, केड़ा खेड मेला है जिसनों आपां विलेज ओलंपिक्स भी कहने हाँ, जा उसनों आपां पेंडू ओलंपिक खेडां दा भी नाम दिंदे हाँ, वो है जी किला रायपुर। विच कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज इन स्पोर्ट्स फेयर ऑफ किला रायपुर, किला रायपुर दे विच केड़े केड़े कंपटीशन फेयर दे विच हुंदे हन, स्पोर्ट्स फेयर, प्लेयर्स, एनिमल्स, बोथ, नन ऑफ दिस। इहदे विच प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, इवन जानवरों के भी जोड़े है मुकाबले कराए जाते हैं। सो इन्हों के बीच की है बोथ। विच डिस्ट्रिक्ट विलेज रायपुर इज सिचुएटेड, किला रायपुर कितने स्थित है, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा। ये जी लुधियाना के बीच। इन ओल्ड टाइम पीपल यूज टू स्पेंड देयर फ्री टाइम, पुराने जमाने के बीच लोग अपना फ्री टाइम किमें स्पेंड करते सी, बाय वॉचिंग टीवी, बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स, बाय प्रैक्टिसिंग रेसलिंग इन एरिना और मोबाइल गेम। तो वो जड़े सी अपन कुश्तियाँ खेड के टाइम स्पेंड करते सी। विच हॉबीज हेल्प अस टू सिलेक्ट प्रोफेशन इन फ्यूचर, केड़िया अगर असी हॉबीज अपनाइए तो सू फ्यूचर दे विच एक प्रोफेशन, एक रोजगार चुनने वास्ते हेल्प करनिया। पेंटिंग, राइटिंग पोइम, स्टोरी, प्लेइंग गेम्स लाइक फुटबॉल, कबड्डी एटसेट्रा। तो इन्हां च सारे ही ऑप्शन, पेंटिंग भी लिख कुछ लिखना या गेम्स खेलनिया, ये साडा जिहड़ा फ्यूचर दे विच सानू प्रोफेशन चुनने दे लई हेल्प कर सकदियां हन। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, इन्हां विचों दसना है कि केड़ा मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला दी एक किस्म है, वो है जी गतका। वट डू यू कॉल लेयर ऑफ प्लास्टिक डस्ट लेड ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड, जेडी स्पोर्ट्स ग्राउंड दे विच एक प्लास्टिक दी का दी लेयर बिछी हुंदी है उसनु की कहा जाता है, उसनु कहते हैं एस्ट्रो टर्फ। यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग पंजाबी लोकल कम्युनिटी गेम्स, विच फेयर वुड यू लाइक टू विजिट, पंजाबी लोकल कम्युनिटी गेम का तुसी मेला अगर तुहानू देखने का शौक है तो तुसी कित्थे जाओगे, स्पोर्ट्स फेयर ऑफ किला रायपुर, होम फेयर, ओलंपिक गेम, दशहरा ऑफ कुल्लू। तो आपा पंजाबी लोकल कम्युनिटी जेड़ा है मेला स्पोर्ट्स फेयर ऑफ किला रायपुर। लेसन नंबर 6, अर्थ आर होम टू, धरती साडा भी घर। वाइल्ड कंजर्वेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर एंड 5 जून। तो आपा जिहड़ा वाइल्ड कंजर्वेशन वीक है जिसनों आपा जंगली जीव सुरक्षा हफ्ता भी कहने हाँ, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। डैश इज द नेशनल एनिमल, डैश इज द बर्ड ऑफ इंडिया, टाइगर एंड पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हु कैन सेंस द डेंजर ऑफ अर्थक्वेक बिफोर ह्यूमन, अर्थक्वेक भूचाल का आना सब तो पहला किनू पता चल जाता है, बर्ड्स नू, पैट एनिमल्स नू, वाइल्ड एनिमल्स नू, ता सारियां नू, जानवरां नू ते पंछियां नू जेड़ा है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, वाइट टाइगर ये इंडिया वास्ते गिफ्ट है प्रीशियस। टाइगर्स हैव डैश स्ट्राइप्स एंड लैपर्ड्स हैव डैश स्पॉट्स ऑन द बॉडी, टाइगर दे उत्ते ब्लैक जिहड़ियां स्ट्राइप्स ने और उन्हां दे उत्ते ब्लैक जिहड़े है वो स्पॉट्स हुंदे ने लैपर्ड दे। टाइगर्स बिलोंग टू विच फैमिली, टाइगर्स केड़ी फैमिली नू बिलोंग करते ने जी, कैट फैमिली नू बिलोंग करते हैं। हाउ मैनी टाइगर्स वर लैफ्ट इन इंडिया 2008, 2000 इंडिया दे विच जो तो काउंटिंग हुई सी टाइगर सी, ता उदों 14-11 जेडे टाइगर सीगे वो रह गए सी।
हाउ मच कैन ए टाइगर वेट, किन्ना जेड़ा टाइगर दा पार हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 300 kg। कैट कैनोट सेंस स्वीट टेस्ट, मिठा जेड़ा है वो कैट सेंस नहीं कर सकती। कैट कैन सी डैश टाइम बेटर दैन ह्यूमन, 6 टाइम 6 गुना ज़्यादा जेड़ा है मनुख तो देख सकती है। क्लियर। पोस्टल डिपार्टमेंटल मेक्स विच एफर्ट टू शो लव ऑफ ह्यूमन फॉर एनिमल्स, जेड़ा पोस्टल डिपार्टमेंट है जेड़ा डाक विभाग है उसने अपना प्यार एनिमल्स वास्ते किस तरह दिखाने की कोशिश की है। टेक केयर ऑफ यूज प्रोवाइड लोन्स फॉर ब्रिंगिंग अप एनिमल्स, इशू पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, नथिंग इज डन। तो उसने जिहड़ियां टिकटां लगदियां हन ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਾਜ ਫਸਟ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਗਰ ਫਾਊਂਡ, ਇੰਡੀਆ। ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਐਨੀਮਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਨ, ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ। First was the name of a pet dog of Alexander the Great, the emperor of Greece. ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪੈਰੀਟੋਮ, ਪੈਸਨਜੀ, ਪੈਰੀਟੈਸ ਤੇ ਬੈਰਨਿਸ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੈਰੀਟੈਸ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਹੈ। Dog can recognize source of sound far better than human. Dog can smell 14 meter from under the earth. Dog is famous for the quality of faithfulness and watchfulness. Dog can protect a large herd of sheep and goat. The dog ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 feet smell ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। Dash is a breed of wild dog that cannot bark because of special structure of its throat but produces a prolonged growl called yodeling. ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਭੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੇਕ ਜਾਂ ਤਾਨ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਨ ਜੀ। Next, in 1957, the first living being sent to a space in Russian spacecraft Saturnik was a dog and name is Laika. Why do man rear animals? Kyon jehda manukh hai janwaran nu palda hai? For milk, for wool, for meat. Ta assi sare hi upparle tin jehde option hai ohna karke animals nu palya janda hai. ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਬਾਈ ਵੂਲ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਚੈੱਕ ਇਟਸ ਪਿਓਰਿਟੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੂਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੰਸਲਟ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਈ ਟਚਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਔਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਫ ਵੂਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਗੋਲਡ ਫਰੋਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੈੱਕਡ, ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਸ BIS। ਵਿਚ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੈਮਲ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ ਫੋਰ ਕੈਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ? ਐਲੀਫੈਂਟ, ਜਿਰਾਫ, ਬੁੱਲ ਔਰ ਕੈਮਲ। ਸੋ ਜਿਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਚ ਟੂ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਇੱਧਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਪਿਓਰਿਟੀਜ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਗੋਲਡ, ਵੂਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਜਟ, ਸਪਾਈਸਿਸ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਮਸਾਲੇ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਗ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ
यूज किया जाता है जी, उपयोग किया जाता है भूल वास्ते। नेक्स्ट ये बेटा जी थोड़े हूँ 4th तो 7th लैसन तक हो गए हैं। थैंक यू।